हेलो गाइस, और कैसे हो आप सभी लोग। तो क्या आप सभी तैयार हो आज का मॉक टेस्ट 5 देने के लिए? बिल्कुल, जल्दी जल्दी अपना काम कीजिए। सबसे पहले आते ही देखो, क्लास स्टार्ट होने से तुरंत पहले ही अपना काम कर दिया करो। कौन सा वाला काम? क्लास को शेयर करने वाला। तुरंत की तुरंत आते ही अपने सभी दोस्तों को क्लास को शेयर कर दिया करो, और उनसे बोला करो कि भाई सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहे, सारे की साइट अपडेट्स आपको मिलती रहे, जिससे कि आपकी कुछ भी चीज मिस ना हो। आई बात समझ में? तो जल्दी से जल्दी, अगर अभी भी किसी ने शेयर नहीं किया है तो तुरंत की तुरंत शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक तो हमारा हक है। आते ही सबसे पहले जैसे ही आप क्लास को देखा करो ना, कम से कम लाइक तो एक बनता है, आते ही लाइक कर दिया करो। ठीक है, क्या करा करो, आते ही एक लाइक। जितनी जल्दी आओगे उतने लाइक करोगे, और उतनी जल्दी शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तो शुरुआत करते, ज्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वापिस से अपना मॉक टेस्ट। क्या मॉक टेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं? कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का हमारा टारगेट है। क्या? कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो ना तो ज्यादा कोई बकवास करते हुए और ना ज्यादा कोई टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के आंसर्स नहीं आते हैं, आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। देखो, धीरे धीरे रिस्पांस कम हो रहा है। अभी केवल एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते में आपका रिस्पांस कम हो गया। तो देखिए, इस चीज को और करिए, मतलब कमेंट किया करो, रेस्पॉन्स दिया करो, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ किया करो। कमेंट तो कर सकते हो ना एटलीस्ट आप लोग। जो आंसर आता है उसको कमेंट किया करो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। अभी आपको शर्म नहीं करनी है, मैंने आपको शुरुआत में बोली थी कि अभी आपको शर्म नहीं करनी है, अभी आपको केवल और केवल कमेंट करना है। अगर आंसर सही हो तो भी कमेंट करो, अगर आंसर गलत है तो भी कमेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? आंसर आना चाहिए। कोई भी एक बार में परफेक्ट नहीं बन जाता। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगी। अगर अभी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। बहुत सारे बच्चे हैं, देखना, अच्छे पता नहीं कितने बच्चे होंगे, कमेंट कीजिएगा जो मैं लाइन बोल रही, क्या वो सही है या गलत है। जो अभी ये सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, जैसे ही वो क्वेश्चन देखते हैं उन्हें लगता है हाँ ये भी हो जाएगा। पर एग्जाम में जाते ही, जब एग्जाम में बैठते हो तो सब चीजें भूल जाते हो, आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता है। बताइएगा, ऐसा लोगों के साथ होता है या नहीं होता? आप मतलब सच वाली बातें हैं, ये कोई झूठ नहीं है। ये मेरे साथ भी होता था पहले, जब मैं प्रैक्टिस करके नहीं जाती हूँ तब क्या होता है कि एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, ब्लैंक एकदम। लेकिन अगर आप यहाँ पे अच्छे से 1000 या 500 क्वेश्चन करके जाओगे ना, तो एग्जाम में आप एटलीस्ट क्वेश्चन ट्राई तो करोगे, ऐसे ही बिना देखे स्किप नहीं मारोगे। तो हमें ये चीज हैबिट रखनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आसान सा क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका मिरर इमेज है, कुछ भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा जूम और कर देती हूँ आपके लिए। इसको छुपा देते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को केवल इतना रहने देते हैं। बताइएगा अब इसका आंसर। अब क्वेश्चन दिख रहा है, नीचे आपका मिरर रखा हुआ है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, ये आपकी फिगर है। एक बच्चे का आंसर कमेंट आया था कि मैम मुझे फिगर की प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है। बेटा टेंशन मत लो, आपको फिगर की प्रॉब्लम है, जब मैं टॉपिक कराऊंगी नॉन वर्बल उसमें सिखाऊंगी कि कैसे हम फिगर की प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसे हम फिगर वाली प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ये मैं सिखाऊंगी आपको। अब देखो, मिरर रखा हुआ है यहाँ पे, ये भी डार्क है, मिरर यहाँ रखा हुआ है। देखो, चाहे मिरर इमेज हो या वाटर इमेज हो, मैं ये नहीं बताऊंगी कौन सी वाली इमेज बता रही हूँ, मैं केवल इतना बताऊंगी जहां मिरर रखा हुआ है उसके नीचे या ऊपर बगल में वहां पे सेम फिगर बनाओ। पहले
सेम टू सेम। अब क्या करो, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है वो मिरर के पास है, ये ट्राइंगल मिरर के पास है तो यहाँ पे भी पास में आएगा, पर कैसे आएगा? देखो जो चीज मिरर के पास होती है वो पास में ही लिखी जाती है और जो चीज दूर होती है वो दूर लिखी जाती है। ये वाली लाइन पास में है और इसका मुंह कहाँ पे है? मिरर की तरफ, तो यहाँ पे भी ये लाइन इधर बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। कुछ बच्चे ट्राइंगल ऐसा बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा, आपका ट्राइंगल ऐसे बनेगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऐसा वाला रेक्टेंगल है तो हम ऐसा वाला रेक्टेंगल बनाएंगे, लेफ्ट में ऐसा वाला है तो ये वाला बनाएंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर आपका ट्राइंगल है, पर कैसा वाला ट्राइंगल है? डार्क वाला, और डार्क में भी मुंह कैसा होगा? ये जो इसकी बेस वाली लाइन है वो मिरर की तरफ है तो बेस लाइन ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे, तो आपकी फिगर ये वाला होगा। अब मैच करो, कौन सा वाला मैच कर रहा है आपसे? अब देखिए कौन सा वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है क्या? देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में केवल एक गलती है, क्या? ये वाली। ऑप्शन नंबर ए में भी ये गलती है, ये वाली, कि इसका मुंह ऐसा आएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो लोग सही बोल रहे होंगे उनकी भी गलत है। ए में भी क्या गलती हुई है? ए भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा? नन। क्यों? क्योंकि ए में ट्राइंगल है आपका उल्टा बना हुआ है, ए वाले में ट्राइंगल आपका उल्टा बना हुआ है तो ये वाला भी गलत है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पहले हिंदी में है उसके बाद इंग्लिश में आएगा, आराम से पढ़ लो। क्वेश्चन हिंदी में है उसके बाद आपका इंग्लिश में भी आएगा, बताएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट है, देखते हैं कितने लोग सिटिंग अरेंजमेंट को बना पाते हैं, देखते हैं कितने लोग इस सिटिंग अरेंजमेंट को बना पाते हैं। पहले पढ़ देती हूँ क्वेश्चन एक बार। आठ लोग हैं एक गोले में बैठे हुए हैं, आठ लोग एक गोले में बैठे हुए हैं, ठीक है। हिंदी में शुरुआत करते हैं, इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी में देखो। आठ लोग एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके आठ लोग बैठे हैं, तो गोला बनाओ पहले। हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट में गोले वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा शुरुआत कैसे करनी है? दो गोलों से, एक गोला ये एक गोला ये, आठ लोग बना दिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लाइने आठ लोग, आठ लाइने आठ लोग, बन गया इतना। अब देखो पढ़ते जाओ बनाते जाओ, क्या लिखा हुआ है? सी, सी कहाँ है? जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सी कहाँ पे है? पहले बफर बनाओ, पहले शुरुआत में ही पुट मत करो, पहले बाहर लिख लो। सी कहाँ पे है? जी के, जी के बाएं से दूसरे स्थान पे है। सी क्या है? जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अगला देखो क्या लाइन है, और ए के दाएं से। देखो जो और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो शब्द और का इस्तेमाल किसके लिए होता है? सबसे पहले वाले के लिए, और से पहले सी कॉमा जी है तो ये सी के लिए यूज हुआ है, और किसके लिए हुआ है? सी के लिए। हमेशा याद रखना जो और होता है वो शुरुआत वाले के लिए होता है, और जो जो होता है वो पास वाले के लिए होता है, ये बात याद रखना, जिसको नहीं पता लिख लो। जो और होता है वो पहले वाले के लिए होता है और जो होता है वो पास वाले के लिए होता है, ठीक है। तो ए से, ए के दाई ओर कौन है? दूसरे दाई ओर, तो तीसरे, ए के तीसरे दाई ओर से तीसरे स्थान पे कौन है? सी है। ये तीन लोग बैठ गए। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एफ और डी एक दूसरे के तिरछे बैठे हैं, मतलब अगर इधर एफ है तो इसके अपोजिट में डी बैठेगा। एफ और डी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तिरछे बैठे हुए हैं, ठीक है। सी ई और एफ का पड़ोसी है, सी क्या है? ई और एफ का पड़ोसी है, या तो ई इधर आएगा या फिर ई इधर आएगा, इस तरह से बैठे हुए हैं। अगला क्या है आपका, बी डी के बाई ओर से दूसरा है। बी कहाँ पे है? बी कहाँ पे है? डी के बाई ओर से दूसरा, डी के बाई ओर से दूसरा है, दिख रहा है आपको? डी के बाई ओर से दूसरा है। अब देखो पहले हम लोग, अब हमने पूरे डायग्राम को पहले लिख लिया, हमने क्या किया पूरे डायग्राम को लिख लिया, आपको भी ऐसे ही करना है। क्या करना है? जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो इस तरह से पहले डायग्राम बना लेगा अलग से। अभी आपको लग रहा होगा टाइम
टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा तब आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे तीन लोग हैं बैठने के लिए, यहाँ पे दो लोग हैं और यहाँ पे हम बोल नहीं सकते। देखो इनकी जगह हमें पता है कैसे, अगर यहाँ पे ए आएगा तो दो छोड़ के सी आएगा और एक छोड़ के जी आएगा। ऐसे दोनों बना लो, ए दो छोड़ के सी आएगा, एक छोड़ के जी आएगा, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब हमें क्या लिखा है, एफ और डी एक दूसरे के आमने सामने, मतलब दोनों जगह खाली होनी चाहिए। अगर एफ को यहां बिठाऊंगी तो ये खाली नहीं है, अगर एफ को यहां बिठाऊंगी तो ये खाली नहीं है, अगर एफ को यहां बिठाऊंगी तो ये खाली नहीं है। इसका मतलब या तो एफ इधर आएगा डी इधर, या फिर डी इधर आएगा और एफ इधर। एफ और डी इधर आ सकते हैं, या फिर अदला बदली भी हो सकती है कि डी एफ इधर आ जाए और डी इधर आ जाए। दोनों केस मैंने बना लिए, ये भी कहानी खत्म हो गई। अब लिखा है हमने सी का पड़ोसी ई और एफ है, सी का पड़ोसी ई और एफ है, यहां तो डी आ गया, ये गलत। सी का पड़ोसी कौन है, ई और एफ, यहां पे तो डी है, ये गलत हो गया। यहां पे एफ है तो यहां पे ई आ गया। क्या लिखा हुआ है, सॉरी गलती हो गई। क्या लिखा है, गलती लिखा क्या था, एफ का पड़ोसी सी और ई है, लिखा क्या था, एफ का पड़ोसी सी और ई है। ठीक है, तो एफ का पड़ोसी क्या है, सी इधर हो गया, ई इधर हो गया। एफ का पड़ोसी कौन है, सी इधर है नहीं और ई इधर आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। डी के लेफ्ट में कौन है, बी, तो ये हो गया, और बचा क्या, एच, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या सिटिंग अरेंजमेंट होगा, ये आपको कुछ नहीं करना, शुरुआत आओ कैसे करनी है, पहले ऐसे गोले बना लिया करो, उसके बाद ये बनाया करो, और फिर देखा करो सबसे पहले क्या चीज लिखी जा सकती है। हमेशा याद रखना जिसका लेफ्ट और राइट दे रखा हो कि भाई ये इसके लेफ्ट में बैठेगा या ये उसके राइट में बैठेगा, शुरुआत उसी से करनी होती है। ये देखो हमें इसका भी बता था कि इसके लेफ्ट में राइट में कौन बैठेगा, इसका भी बता था, इन दोनों में से पहले क्या रखेंगे, इसको क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे तीन लोग बैठ रहे थे और यहाँ पे दो लोग, यहाँ पे तीन लोग यहाँ दो लोग, इसलिए हमने शुरुआत इसकी करी। अभी हम देखेंगे आगे, अभी तो केवल मॉक टेस्ट है, जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर, पहले पढ़ लो एक बार पढ़ लो इसको, इंग्लिश में ये रहा और हिंदी में ये रहा, हिंदी में ये रहा आपका। अब देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखते हैं एक बार। हमें क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा कुछ, एक गोला यहां पे हो गया, एक रेक्टेंगल इधर हो गया, एक स्क्वायर इधर हो गया और एक ट्रायंगल इधर हो गया। ठीक है, ये है आपका सिंगर, ये है आपका आर्टिस्ट, ये है आपका डांसर और ये है आपका म्यूजिशियन। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है एफ, ये है ई और ये है जी। अब हमें बताना क्या है, कौन सा अक्षर डांस का प्रतिनिधित्व करता है जो संगीतकार नहीं है। डांस तो है, मतलब डांसर तो है, ये पूरा तो है, लेकिन संगीतकार नहीं है, लेकिन म्यूजिशियन नहीं है, मतलब इसको हटा दो। बचा क्या, बी एफ और सी, क्या हो जाएगा, बी एफ और सी। आई बात समझ में, डांसर तो है मतलब ये पूरा तो आएगा, लेकिन इसमें से म्यूजिशियन वाला हटा दो तो बचा क्या, बी सी और एफ। तो आंसर क्या हो गया, बी सी और एफ, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप ढंग से देखोगे तो, आपके बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इनको ढंग से देखोगे तो। अब ये देखिए हमें बताना है वेन डायग्राम आ गया, आज आपकी क्लास शाम को भी होगी वेन डायग्राम की, वेन डायग्राम की क्लास, अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका वेन डायग्राम का ही होगा।
किसका होगा, वेन डायग्राम का आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा जो आपका शाम को चलती है क्लास में। अब देखिए क्या है ई टेबल्स, मैंगोज और फ्रूट्स, हमें बनाना है वेन डायग्राम। अब देखो ई टेबल्स मतलब खाने वाली चीजें, क्या सभी खाने वाली चीजें केवल मैंगो होती है? खाने वाली चीज के अंदर केवल मैंगो आता है? नहीं, कुछ खाने वाली चीजों में मैंगो आता है, लेकिन सारे की सारे मैंगो, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हुआ है वेन डायग्राम, इसमें सिखाऊंगी आज भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। हमेशा वेन डायग्राम को देखना, दोनों साइड से देखते हैं, कुछ लोग एक साइड से देख के काम खत्म कर देते, नहीं हमें क्या करना है, दोनों साइड से देखना है। सारे की सारे मैंगो खाने वाले होते हैं, इधर से ऑल बन रहा है, इधर से लेकिन सब बनेगा। क्या सभी मैंगो फ्रूट होते हैं? बिल्कुल सभी मैंगो फ्रूट होते हैं। क्या सभी फ्रूट मैंगो होते हैं? मतलब फ्रूट्स की कैटेगरी में केवल मैंगो आता? नहीं, फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, पपाया, बनाना सब कुछ आता है। तो क्या हुआ फिर इसमें, कुछ फ्रूट एप्पल होते हैं, मैंगो सॉरी। क्या सारे फ्रूट खाने वाले होते हैं? बिल्कुल सारे की सारे फ्रूट खाने वाले होते हैं। अब देखो हर केस में देखो, एक साइड से सम बन रहा है, एक साइड से ऑल बन रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कैसी कि एक साइड से ऑल बने, एक साइड से सम बने, तो हमेशा हम ऑल लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा ऑल। मतलब क्या हुआ, सारे फ्रूट्स सॉरी सारे मैंगो क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं। और सारे फ्रूट्स क्या होते हैं? खाने वाले होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये बात समझना बहुत ध्यान से, अभी जब लेक्चर करेंगे इसका प्रॉपर टॉपिक वाइज, हम देखेंगे किस तरह से इन चीजों की वजह से आंसर चेंज रहता है, किस तरीके से अगर आप ध्यान नहीं दोगे इसमें तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। कि कुछ लोग केवल यहाँ से देखते हैं तो सम लगा देंगे कि सारी खाने वाली चीजें मैंगो थोड़ी ना होती हैं, तो सम लगा के अगर आप करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अगला देखते हैं, अगली आ गई आपकी मैट्रिक्स। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमें बताना है हेट शब्द कैसे बनेगा, हेट जो शब्द है वो कैसे बनेगा, बताओ इसका आंसर। ये तो मुझे लगता है हर किसी को आना चाहिए, ये तो मुझे लगता है हर किसी को ये लेक्चर मतलब ये वाला टॉपिक पता होना चाहिए। मैट्रिक्स बहुत आसान होती है, क्या है हेट, हम देखेंगे, आप टेंशन मत लो। जिसको नहीं आ रहा है वो लोग टेंशन मत लीजिए, शाम को 9:00 शाम को, अभी तो आपका थोड़ा वेरिएशन चल रहा है टाइम के अंदर कि 9 से 10 बजे के बीच में क्लास आती है, लेकिन अभी आपका टाइम फिक्स हो जाएगा मंडे से कि 9 बजे क्लास हुआ करेगी। कितने बजे? 9 बजे जो क्लास होती है शाम को, उसमें मैं कंसेप्ट सिखाऊंगी। तो जिसको भी जिस भी टॉपिक में दिक्कत है शाम को आया करे क्लास लेने के लिए, उसमें हम शुरुआत से स्टार्टिंग कर रहे हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि आप जो नए हैं उनको भी समझ में आए और जो पुराने हैं उनको तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए अगर आप चाहते हो कि ये सब चीजें आपकी मिस ना हो, अगर आप चाहते हो ये सब चीजें मिस ना हो, तो अभी भी टाइम है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और शेयर और लाइक तो बिल्कुल बनता ही है हमारा हक। देखो हेट, अब मान लो यहाँ पे लिखा है 13, नीचे देखो पहले वाला ऑप्शन लिखा है 13 का मतलब क्या हुआ, ये आपकी रो है, ये आपकी कॉलम है। 13 का मतलब क्या हुआ, ये रो है, ये कॉलम है। इधर से अगर देखेंगे तो इसे रो बोलते हैं, इधर से देखेंगे तो कॉलम बोलते हैं। तो हेट शब्द कैसे बनेगा, हेट शब्द कैसे बनेगा, ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए से आप देखोगे तो आपका हेट शब्द बन जाएगा। आई बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन, अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिटिंग सॉरी ब्लड रिलेशन है, लेकिन आसान वाला नहीं है। ब्लड तो रिलेशन तो है पर आसान वाला नहीं है। देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चलता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक नया टर्म आया है, क्योंकि इसके अंदर एक नया शब्द आया है ब्रदर इन लॉ। इसके अंदर आपका एक नया शब्द आया है ब्रदर इन लॉ। तो देखते हैं कितने लोगों का इस चीज में दिमाग चलता है, कितने लोगों का इस चीज में दिमाग चलता है, यही चेक करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम के अंदर, क्या ब्रदर इन लॉ। बहुत सारे बच्चों को मतलब नहीं पता होता इसका। अब देखो
एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़का अमन ने, एक लड़का है अमन, उसने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़का अमन ने कहा, क्या कहा? वह मेरी माँ के बहनोई का इकलौता भाई है। मेरी माँ मतलब अमन की माँ, मेरी माँ, बहनोई का मतलब पता है, बहनोई का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो माँ है इसके पति का भाई, इसकी माँ मतलब अमन, बहनोई का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, अभी थोड़ा समझ लो जिससे कि क्वेश्चन हो जाए, फिर मैं जब ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे शाम वाली क्लास के अंदर उसके अंदर और एक्सप्लेन होगा ढंग से। ये अगर माँ है मतलब ये एक लड़की है, इसकी शादी इससे हुई है, इस लड़के का भाई और बहन ये रहे, तो देखो इसके लिए, इसके लिए ये दोनों कौन हुए, ये सिस्टर इन लॉ और ये ब्रदर इन लॉ, क्या हुए इसके लिए ये दोनों क्या हुए, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। सेम ऐसे ही इस दोनों के लिए ये कौन हुई, सिस्टर इन लॉ। तो इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब हम क्या समझे कि अगर मान लो मैं है, मेरा हस्बैंड कोई हुआ, मेरे हस्बैंड के भाई बहन मेरे क्या लगे, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, और उन लोगों के लिए मैं क्या लगी, सिस्टर इन लॉ। आई बात समझ में, मेरा कोई हस्बैंड है तो मेरे हस्बैंड के जो भाई बहन हुए वो मेरे क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, और उनके लिए मैं क्या लगूंगी, सिस्टर इन लॉ। आई बात समझ में, तो सेम ऐसे ही अब क्वेश्चन की तरफ आए, अमन की माँ का बहनोई मतलब अमन की माँ का हस्बैंड और उनका भाई, अमन ये कौन हुआ, बहनोई, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अमन ने कहा मेरी माँ के बहनोई का इकलौता भाई, मतलब इसका इकलौता भाई कौन हुआ, ये खुद इकलौता भाई कौन हुआ, ये खुद, ये आदमी, ये मैन वो है। तो हमसे पूछा क्या है, अमन से संबंधित आदमी कैसा है, मतलब ये आदमी अमन से क्या रिश्ता रखता है, तो ये इसका क्या हुआ, पिता मतलब फादर। मेन कंसेप्ट यहाँ पे केवल और केवल बहनोई को बनाना था, क्या था, बहनोई को आप कैसे ड्रॉ करोगे, यही काम था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, आज क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं जिससे कि आप डर जाओ इतने बड़े क्वेश्चन से। क्वेश्चन बड़े क्यों हैं, जिससे कि आप डर जाओ कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे आएगा, लेकिन देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान होगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो वो बहुत आसान होगा, अगर छोटा क्वेश्चन तो वो टफ होता है। क्वेश्चन पढ़िए इंग्लिश में, ये रहा हिंदी में लगाऊंगी अभी, क्वेश्चन फटाफट पढ़िए इंग्लिश में, तो ये रहा हिंदी में अभी लगा देती हूं मैं, फटाफट पढ़िएगा। ये रहा आपका हिंदी में, अब देखो, मोहन और सोहन अपने क्लब से साइकिल चलना शुरू करते हैं, मतलब मोहन और सोहन दोनों चलना शुरू कर रहे हैं साइकिल से, देखते हैं कैसे चलते हैं अब, ठीक है। मोहन 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, मोहन गया 6 किलोमीटर वेस्ट में, ठीक है, और अपनी दाई ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, दाई ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, चल गया। अब इस बीच सोहन 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, इसी बीच ये क्लब है, सोहन 7 किलोमीटर चला, ये मोहन है, ये सोहन है, सोहन 7 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और बढ़ता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, अब वो पूरब की ओर मुड़ा और 5 चला, ठीक है, करता है, अपने दाई ओर मुड़ता है, फिर वे अपने दाई ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अब वापस से वो दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, ठीक है, और फिर से वो क्या करता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और 11 चलता है, पश्चिम की ओर मुड़ा और 11 चला। 11 मैंने यहां तक ही क्यों बनाया, 11 किलोमीटर मैंने यहां तक ही क्यों बनाया, क्योंकि ये वाला 6 है और ये वाला 5 है, टोटल कितना हो गया 11, तो मतलब इसी रेखा के बीच में आना चाहिए। हमसे पूछा क्या है, मोहन के संबंध में सोहन कहाँ है, मोहन के संबंध में मतलब इसके संबंध में सोहन कहाँ पे, अब देखो
डिस्टेंस कितना हुआ, सात ये चार ये और चार ये, सात ये चार ये और चार ये, चार और चार आठ, सात चौदह पंद्रह, कितना हो गया ये पूरा डिस्टेंस, पंद्रह किलोमीटर, पंद्रह किलोमीटर है। और कहां पे है, नीचे की साइड, पंद्रह किलोमीटर साउथ, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंद्रह किलोमीटर है और सोवन है कहां पे, यहां से साउथ की तरफ, पंद्रह किलोमीटर साउथ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन को, अब आसान क्वेश्चन भी है आपके, अब क्वेश्चन थोड़े आसान भी है तो थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए अब हमसे पूछा क्या है कि सन के कलर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब येलो का मतलब क्या है, ब्लू, कहानी खत्म, पूरा पढ़ो ही मत, येलो का मतलब क्या हो गया, ब्लू, और यही आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन ओवर। ऐसे क्वेश्चन को पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा देखना है पूछा क्या है और आपका आंसर आ गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी आसान है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। अगर आपको, अगर आपको आता है क्या चीज, अल्फाबेट का नंबर, अगर आपको आता है अल्फाबेट का नंबर तो आप तुरंत कर पाएंगे। देखो ओरली, पी है, आर है, टी है, वी है, पी 16 होता है, आर 18, टी 20 और वी क्या होता है 22। तो देखो दो दो का गैप है, 16 18 20 22, तो अब क्या आएगा आपका 24, अब क्या आएगा 24, मतलब x हो गया। उसके आगे देखो m p s और v, देखो m n o p 3 का ऐड हुआ 13 16, s 19 हो गया, v आपका 22 हो गया। वापिस से देखिए आपका कितने गैप है, तीन तीन का गैप है, पहले दो का फिर तीन का, लिख देती हूँ बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। देखो ये क्वेश्चन आप और भी कर सकते हो, पी एम सी आर पी जी टी एस के, देखो क्या हुआ, यहां से यहां गए प्लस टू का गैप हुआ, यहां से यहां गए प्लस टू का गैप हुआ, एम से पी पी गए प्लस थ्री का गैप हुआ, यहां से ये गए प्लस थ्री का गैप हुआ, ये गैप सेम चेक कर लीजिए, प्लस टू और प्लस थ्री, इतने में आंसर आ जाएगा क्या, एक्स वाई एस, इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई एस, पहले दो का गैप है और फिर आपका तीन का गैप है। अगला क्वेश्चन, वापस सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, सॉरी वो आ गया क्वेश्चन आपका, कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया आपका, कौन सा वाला, वापस सीरीज का क्वेश्चन, आर बी ओ ई एल एच आई के एफ एन, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ इसका आंसर क्या हो? देखो हम देख रहे हैं आर के बाद ओ गया, ओ के बाद एल गया, एल के बाद आई और आई के बाद एफ, मतलब कम हो रहा है, तो देखो पीछे से शुरुआत करते हैं, एफ, एफ से आई गए एफ जी एच आई, प्लस का थ्री किया, आई से एल गए प्लस का थ्री किया, एल से ओ गए प्लस का थ्री और ओ से आर गए प्लस का थ्री, समझ रहे हो आप बात, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, या तो ये बोल लो माइनस थ्री हो रहा है या फिर पीछे से काउंट करो प्लस थ्री हो रहा है, प्लस को काउंट करना ज्यादा आसान होता है, प्लस को काउंट करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने पीछे से ले लिया, फिर क्या है एफ आई के एफ एन, देखो एफ से आई गए प्लस का थ्री, आई से एल गए प्लस का थ्री, एल एम एन ओ प्लस का थ्री, ओ से आर गए प्लस का थ्री, आई बात समझ में। अब देखो बी, बी टू होता है, ये आपका कितना होता है फाइव, कितना हुआ बी सी डी और ई प्लस का थ्री, ई एफ जी एच प्लस का थ्री, एच आई जे और के प्लस का थ्री, मतलब पीछे वाला तो पीछे से बढ़ रहा है, आगे वाला आगे से बढ़ रहा है, ठीक है, और लेकिन क्या हो रहा है प्लस का थ्री हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऐसे करोगे सी और क्यू, सेम यही लॉजिक अपनाओगे, प्लस का क्या हो जाएगा आंसर सी और क्यू। अगला देखते हैं, अब अगला देखियो, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब सेवन का 128 है, 15 का क्या हो जाएगा, बहुत आसान है ये तो, 12 का क्यूब क्या होता है 1728, 15 का क्यूब क्या होता है 3375, क्या होता है 3375, कहानी खत्म, कहानी खत्म, इतना ही था। स्क्वायर क्यूब याद रखना, देखो जिसको स्क्वायर और क्यूब आता होगा उसने तुरंत आंसर दिया होगा, 12 का क्यूब हो गया 1728, 15 का क्यूब हो गया 3375। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वापस से आसान क्वेश्चन है, वापस से आसान क्वेश्चन, कैसे आपका शब्दों का एनालॉजी है, इजिप्ट का इजिप्ट की कैपिटल क्या हो गई कायरो, इंडोनेशिया क्या हो जाएगी जकार्ता, क्या हो जाएगी, आई बात समझ में, कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था आपका, थोड़ा सा जनरल नॉलेज चेक हो गया। अगला देखते हैं, अगला देखियो, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब
अगला देखियो, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऐसे डी को, ये वापस से आसान है, देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट अगर याद होंगे ना आपको जल्दी से कर पाओगे। एस ए डी को एस ए डी और एच जेड डब्ल्यू कैसे लिखा है, एस का अपोजिट एच हो गया अपोजिट, ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट वी डब्ल्यू सॉरी, तो सेम ऐसे टी एच ई, टी का अपोजिट जी, एच का अपोजिट एस और ई का अपोजिट वी, तो जी एस वी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कुछ था इन क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, अगर आपको चीजें याद हो, मैंने क्या बोला कुछ चीजें याद कर लो, स्क्वायर क्यूब याद कर लो, टेबल याद कर लो, अल्फाबेट पूरी याद होनी चाहिए, टी क्या होता है, जी क्या होता है, एस क्या होता है, वी क्या होता है, एक्स क्या होता है, सारे के सारे आपको तुरंत टिप्स पे याद होना चाहिए। अगला देखिए, अभी ये तो अभी अभी कराई है मैंने, ये तो अभी अभी कराई है, कुछ दिन पहले कंप्लीट करी इनइक्वालिटी, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। ये तो हमने अभी अभी देखी थी इनइक्वालिटी, देखो क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है, फिर है आपका पी इज इक्वल टू वाई, क्यू ग्रेटर देन जेड और एक्स लेस देन टी, ठीक है, ये आपके पास है तीन चार दे रखी है, चार इनइक्वालिटी दे रखी है आपके सामने। अब पूछा क्या है हमसे, देख लेती हूँ, पूछा क्या है हमसे कि t ग्रेटर देन इक्वल टू z और p लेस देन q, आपको मैंने बोला था, पूछा ये है, शुरुआत करते हैं t से गए z, t ढूंढो कहाँ है, ये रहा, z कहाँ है, ये रहा, या फिर ये भी है, ठीक है, तो अब शुरुआत करें, हमें t से z पे पहुंचना है, t से गए x, पहुंच गए आराम से, x कहाँ है, ये रहा, x ये रहा, x से गए y, जा नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता बंद है, ये गलत हो गया। अब ये देखो q से जाना है p पर, q ये रहा, p ये रहा, ये आपका y है, ठीक है, q से गए z, पहुंच गए बिना दिक्कत के, z से गए y, पहुंच गए बिना दिक्कत के, y से गए p, पहुंच गए बिना दिक्कत के। अब देखो सिंबल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, हम आसानी से q से लेकर p पे पहुंच तो गए, अब हमें देखना है सिंबल कौन सा है, देखो यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू है, मतलब राजा वाला सिंबल आएगा, एक तो सिंबल राजा है और एक जनता है, राजा और जनता सिंबल आएगा आपका राजा, बिल्कुल सही आंसर है, तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब इसमें अगला ये रहा आपका सिटिंग, अरे सॉरी ब्लड रिलेशन, वापस से ब्लड रिलेशन आ गया, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब वापस से आपका ब्लड रिलेशन आ गया, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो मुझे नहीं लगता आप लोग बोर हो गए होंगे, एनर्जी बनाए रखें, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मुझे देखो आपको अभी टेस्ट के अंदर हर तरह के क्वेश्चन मिलेगा, टफ भी मिलेगा, आसान भी मिलेगा और इजी मिलेगा, जैसा पेपर में आता है सेम टू सेम वैसा मिलेगा। जब आप पेपर में जाते हो तो आप देखते हो कि भाई कुछ क्वेश्चन तो हलवा है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट से है, कुछ क्वेश्चन टफ है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ मिलेगा, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, तो हर तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलते रहेंगे। लेकिन कैसे कब मिलेंगे, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तभी तो टाइम से आके टेस्ट दे पाओगे, तभी, अभी तो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, कुछ दिन का वेट कीजिए, बस कुछ दिन का वेट कीजिए, आपकी मेहनत सफल जाएगी, कुछ ही दिन में हम लोग लाइव मिलेंगे, जल्दी कुछ ही दिन में, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेक्निकल इश्यू सॉल्व होगा और आपका हम लोग लाइव मिलेंगे, बस कुछ दिन का इंतजार और है, फिर हम लोग वापस से एकदम बातचीत करते हुए काम किया करेंगे, कैसे, एकदम लाइव चैट पे बातें करते हुए, आई बात समझ में। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लेकिन ये कैसे होगा संभव, आपका ये सब चीजें संभव कैसे होंगी, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा तरीके से बातें होंगी और ज्यादा पढ़ाई करने में मन लगेगा, जब कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है ना तब और मन लगता है पढ़ाई करने में, आई बात समझ में, जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा उतना ज्यादा मजा आएगा, हाँ भाई उससे भी आगे निकलना है, उससे भी आगे निकलना है, तो ये सब चीजें रखा करो, जब आप ग्रुप में बातें करते हो तो फालतू की बातें ना करके पूछा करो कि भाई पिछले टेस्ट में तेरे कितने मार्क्स आए, मेरे इतने आए, तूने कहाँ गलती करी, मैंने यहाँ पे गलती करी थी, डिस्कस किया करो, अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप लोग मैसेज किया करो कि भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा बता दे कैसे होगा, जब आप ऐसा कन्वर्सेशन करोगे तो आप देखिए आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, ये बकवास मत किया करो, और तूने खाना खाया क्या, और वहां पे गया क्या, ऐसी चीजें नहीं करते हैं,
क्या पढ़ाई की बात है कि मेरे मार्क्स कल इतने आए थे, तेरे कितने आए, मैंने ये गलती कर दी, तूने कहां पे गलती करी थी। इस टाइप की अगर आप करोगे कन्वर्सेशन तो आपका इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। हर जगह पढ़ाई ढूंढो, हर जगह पढ़ाई ढूंढो। जब तक एग्जाम नहीं आता ना तब तक सोते जागते सब टाइम सिर्फ पढ़ाई दिखाई देनी चाहिए और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्यू के पिता बी का दामाद है। कोई इंसान है क्यू, कोई इंसान है क्यू, ठीक है, कोई इंसान है क्यू, उसका पिता कौन है, जो भी है। क्यू का जो पिता है वो कौन है, बी का दामाद। बी का दामाद का मतलब बी की कोई लड़की होगी और उसका हस्बैंड होगा। बी की कोई लड़की होगी और उसका हस्बैंड होगा, कहानी खत्म। क्यू के पिता, क्यू का जो पिता है वो बी का दामाद हो गया, लिख लिया। क्यू की बहन है, सॉरी सी जो है वो क्यू की बहन है, सी जो है वो क्यू की बहन है और पी की बेटी है। ये कौन है, पी की बेटी है, सॉरी पी यहां नहीं, ये आएगी, ये कौन हो गए, पी हो गई। पी की बेटी कौन हो गई, सी हो गई, ठीक है। और डी की मामी है, क्या लिखा हुआ हिंदी में थोड़ी गड़बड़ है। पी जो है वो कौन है, पी की, पी जो है डी की आंट भी है, पी जो है डी की आंट भी है, वो मैटरनल आंट। आंट का मतलब क्या हुआ, पी की कोई बहन होगी, पी की कोई बहन होगी और उसकी एक बेटी होगी डी। इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। पी की बेटी डी की मामी है, पी की बेटी डी की, हाँ सही है, सॉरी इन हिंदी में भी सही है। क्या है, पी की जो बेटी है इन हिंदी में थोड़ी गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन के अंदर, आप इंग्लिश में चेक करिएगा क्या बोल रहा है। पी जो है मैटरनल आंट है डी की, पी जो है मैटरनल आंट, मैटरनल का मतलब क्या हुआ, मम्मी की साइड से। तो डी की जो मम्मी है उसकी जो बहन है वो कौन हो गई, मैटरनल आंट। हमसे पूछा क्या है, पी का संबंध क्या है बी से, पी का संबंध क्या है, तो पी क्या लगी, डॉटर लगी, पी क्या लगी, डॉटर लगी। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है लास्ट लाइन के अंदर कि पी की बेटी डी की मामी है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, अब आगे आपका वापस से क्या आ गया, सिटिंग अरे सॉरी वो डायरेक्शन का क्वेश्चन, किस चीज का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंग्लिश में लगा दिया, हिंदी में लगा रही हूं अभी, इंग्लिश में लगा चुकी हूं, हिंदी में लगा रही हूं, एक सेकेंड अभी आपका, तब तक आप इंग्लिश में पढ़िए। देखो लग गया, देखो लग चुका है क्वेश्चन आपका, क्या लगा हुआ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर आपका। आस्था बाजार जाने के लिए अपने घर से पूरब की ओर 8 किलोमीटर दूर जाती है। बनाना शुरू करें, बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैम से, आस्था जो है, आस्था अपने घर से पूरब की ओर 8 किलोमीटर चली, आस्था पूरब की ओर चली 8 किलोमीटर चल दी, ठीक है, और फिर वो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर पेट्रोल पंप गई, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, ठीक है, जहां वे अपने 2 पहिए वाहन के टैंक को फिल करके भरती है और फिर दाई ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। अब वो दाई ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चली। अब देखो मेन दिक्कत यहाँ पे है, मैंने 6 बड़ा क्यों नहीं बनाया, छोटा क्यों बनाया, क्यों, जब ये पूरा 8 है तो 8 से छोटी वैल्यू होती है 6, जब इतनी बड़ी लाइन को मैं 8 बोल रही तो इसकी मतलब 6 को क्या होगा, थोड़ी कम लाइन बनेगी, तो इसलिए मैंने छोटी लाइन बनाई। अब आगे देखो, फिर वह दाई ओर मुड़ती और 8 चलती है किलोमीटर, ऊपर गई 8 किलोमीटर, ये तो 5 हो गया और ये आपका 3 हो गया, कितना हो गया 3, ये 8 किलोमीटर हो गया। फिर वह क्या होती है, अपने ऑफिस पहुंचने के लिए अंत में वो बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, अंत में वो बाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। जब ये पूरा 8 है, इतना 6 हो गया, तो ये भी कितना है 2, तो मैंने ये लाइन यहीं पे छोड़ दी, क्यों, क्योंकि जब ये 2 है तो ये भी तो 2 ही होगा, इतना ही। तो देखो हमेशा डिस्टेंस का लाइनें जो है ना सीधी बनाना, पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल ये होनी
होनी चाहिए और इसके पैरेलल ये होनी चाहिए, मतलब लाइनें हमेशा सीधी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक लाइन ऐसी है, एक ऐसी बना दी, एक ऐसी बना, नहीं, लाइनें ये सीधी लाइन है, फिर 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ी, फिर चली, फिर 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ी, फिर चली, मतलब हमेशा लाइनें सीधी बनाना। और डिस्टेंस देखना, जब ये चीज मतलब ऐसा नहीं स्केल से मेजर करो, नहीं, जब पता है ये 8 है तो 6 क्या है, 8 छोटा होता है, छोटी लाइन बनाओ। जब पता है यहाँ पे 2 ही चलना है और 2 ही नीचे है तो इसके बराबर की लाइन बनाओ। इससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। हमसे पूछा गया आस्था का कार्यालय उसके घर से कितनी दूर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये उसका घर था, ये उसका ऑफिस है, तो डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच, 3 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, बताओ इंस्टीट्यूशन को अगर मैंने ये लिखा है तो परफेक्शन को क्या लिखूंगी, बहुत आसान है ये वाला। अगर इंस्टीट्यूशन को ये लिखा हुआ है तो परफेक्शन को क्या लिखूंगी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला आपका। क्या है इंस्टीट्यूशन, INSTITUTION को क्या लिखा हुआ है, ये NOITUTISNI। अब देखो N इधर है, सॉरी N ये रहा, O ये रहा, फिर I उल्टा लिख दिया, सीधा सीधा क्या लिखा है, उल्टा, तो सेम परफेक्शन को लिख दो, PERFECTION उल्टा लिखो, NOITCEFREP। अब मुझे पता क्या चला कि सीधा उल्टा लिख दिया गया है, हमेशा याद रखना, कल भी बताई थी मैंने बात, क्या जब यहाँ पे जो लेटर्स है वो सेम यहाँ पे दे रखे हो तो क्या करना है आपको, चेक करना है कौन सा लेटर कहाँ गया है, केवल ये चेक करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 987 को GHI, 987 को GHI लिखा हुआ है, तो पूछा है 654 को क्या लिखेंगे, आसान है, आसान है या नहीं, 987 को क्या लिखा हुआ है, GHI, तो 654 को क्या लिखेंगे। देखो 9 क्या होता है आपका, I, 8 क्या होता है, H, 7 क्या होता है, G, उल्टा लिख दिया, 4 का मतलब D, 5 का मतलब E और 6 का मतलब F, आंसर क्या हो जाएगा, DEF। ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन, ये क्या थे आज के आपके 20 क्वेश्चन, होमवर्क बाकी है अभी, अभी आपका जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, अभी होमवर्क अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन का डोज, जिससे कि आप पढ़ सको ढंग से। देखो अगर अभी भी हार मान जाओगे तो काम नहीं चलेगा, डेली मेहनत करो, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब भी क्वेश्चन करो, आ रहा है तो करना ही है, डेली की डेली 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, डेली 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, जिस टॉपिक में मैं बोल रही हूँ करो उसमें करनी है खाली। जैसे मैंने क्या बोला, सीरीज में बोला था, सीरीज में मैंने आपको बोला कि भाई प्रैक्टिस करो तो आपको करनी चाहिए, अगर नहीं करी अभी भी तो करो, मैंने नहीं बोला किसमें, इनइक्वालिटी में प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो जितना मैंने कराया ना सफिशियंट है, उससे ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी। डाइस में मैंने नहीं बोला प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें उतना सफिशियंट है, जिस टॉपिक में मैं बोलती हूँ आपको करो उसमें करनी है। और दूसरी चीज, जो मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ उस मॉक टेस्ट को 2 से 3 बार कर लो, उसी मॉक टेस्ट को 2 से 3 बार कर लो, आपका आंसर, आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा और प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं उस चीज भरोसा करती हूँ, किस पे, एक किताब को 10 बार पढ़ने पे, 10 किताबें नहीं पढ़ते हम, क्या करते हैं एक किताब को 10 बार पढ़ के जाएंगे और बाकी लोगों से ज्यादा मार्क्स लेके दिखाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और अगला देखो, होमवर्क नोट कर लीजिए एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट। पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन फटाफट, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। सभी लोग क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, 5ों के आंसर चाहिए मुझे, हर एक बच्चे से, हर एक बच्चे से 5ों क्वेश्चन के आंसर चाहिए, जिस किसी एक का भी एक भी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, हर एक। देखो मैंने शुरुआत में ये बोला था, अगर दम है, अगर दम है तो केवल कॉपी पेन लेके आ जाओ, अगर मेहनत करने का जोश है तो, वरना कोई जरूरत नहीं है।
अगर सच में चाहते हो सिलेक्शन और चाहते हो कि हाँ भाई हम मेहनत कर सकते हैं तो केवल कॉपी पेन लेके आ जाओ, यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा ए टू जेड चीजें। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो मिस किया जाएगा, एक भी, और ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं है जो छोड़ दिया जाए। एग्जाम पेपर को मैच करवा लेना जब एग्जाम हो, क्या एग्जाम पेपर को मैच करवा लेना कि अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आ जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाएगा, मेरी शर्त मतलब गारंटी है। चाहे अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाना तो बता दो, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी उस दिन, ये मैं बोल रही हूँ साफ साफ, एक भी बाहर नहीं आएगा बस। लेकिन शर्त क्या है, डेली पढ़ाई करनी। आप ये नहीं, आपने तो लेक्चर देखा नहीं, आप बोलो कि मैम बाहर है, नहीं, सारे लेक्चर देखो और फिर बताओ कि सच में बाहर से आया नहीं आया। मैं बता रही हूँ गारंटी आपको 101% है यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास को हम यहीं पे ऑफ करेंगे। आपको क्या काम करना है, ये 5 क्वेश्चन आंसर देने, लेकिन कब, 1 से 2 घंटे के बाद। जो लोग भूल चुके हैं वापस से दिमाग में डाल लो, हमेशा आंसर कब देने हैं, रिवाइज करने के बाद। रिवाइज करने के बाद आंसर दोगे तो आंसर ज्यादा याद रहेगा, रिवाइज करने के बाद दोगे तो आंसर ज्यादा याद रहेगा, आई बात समझ में। इसलिए हमेशा हमेशा रिवाइज करने के बाद आंसर दो। और दूसरी चीज, आंसर देना है चाहे गलत हो चाहे सही हो। जो बच्चे देख रहे हैं, मैं सबसे नहीं बोल रही, जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे बोलिए कि भाई आंसर दें रिवाइज करने के बाद, और चाहे गलत हो या सही दो लेकिन आंसर दो, आई बात समझ में। और अभी भी टाइम है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास क्या होने वाली है, वेन डायग्राम। और मुझे पता है 101% मुझे पता है जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी वेन डायग्राम का, वो आपको नहीं आता होगा, वो आपको नहीं आता होगा। रीजन भी बताऊंगी मैं कि क्यों नहीं आता होगा। वेन डायग्राम लेके आ रही हूँ मैं अगली क्लास में, और मुझे पता है आपको वो चीजें नहीं आती होंगी। रीजन मैं बताऊंगी आपको उस क्लास में कि भाई क्यों आपको नहीं आती होंगी, ठीक है। तो क्लास को देखना मत भूलिएगा, कि आपको पता है वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आएंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है, एक क्लास से पूरा वेन डायग्राम हो जाएगा केवल एक ही क्लास में। तो क्लास को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को जल्दी से फेसबुक और व्हाट्सएप हर जगह शेयर कर दीजिए। और अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक तो जरूरी है, लाइक तो जरूरी ही है, तो लाइक तो करना जरूरी है। और कमेंट आपके लिए जरूरी है, जिससे कि पता चलेगा कि आपको क्या चीज आई और क्या चीज नहीं आई। जो समझ में नहीं आता बोलो समझ में नहीं आया। एक बच्चे ने बोला फास्ट कराओ, तो फास्ट भी स्टार्ट कर दिया मैंने कराना। आप बोलते जाइए क्या क्या चीज चाहिए आपको, और हाँ आप बोलते जाइए क्या क्या चीजें चाहिए, सेम टू सेम मैं चेंज करती रहूंगी अपने अंदर। जितना चेंज मैं अपने अंदर ला रही हूँ, उम्मीद वही करती हूँ कि आप भी उतना ही चेंज लेके आए, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, ज्यादा बातें नहीं, पढ़ाई करना, क्या पढ़ाई जरूरी है। तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक मत भूलिएगा, टेक केयर, बाय बाय।